हाय गाइस, अगर आप इस दिवाली टीवीएस राइडर 125 लेने का प्लान कर रहे हो तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं बातें, आपको लेना क्यों नहीं चाहिए, कौन लेना चाहिए। तो पीछे के टायर आपको जो बहुत ही ज़्यादा पतला मिलता है जो कि 100x90 का मिलता है, आगे की टायर की साइज़ की बात करें तो 80x100 का मिलता है जो कि सेम साइज़ है 17 इंच के अलॉय व्हील्स पे। पीछे से लुक्स किस इस प्रकार का दिखता है जो कि थोड़ा सा ऑकवर्ड देखने में लगता है। अगर पर्सनली आपको पसंद आए तो ठीक है। बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी कमज़ोर है जो कि आप देख सकते हो, नई बाइक है, टैंक इजीली पचक जाता है और फिट एंड फिनिश में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। स्विचेस की क्वालिटी अच्छी है, मीटर ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा फुली लोडेड है। चैनल पर वीडियो पूरी है, जाके आप देख सकते हो बाइक के बारे में। ओवरऑल आप आगे से लुक देख लो, कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आपका बजट 1,15,000 के नियर अबाउट है तो इसका फ्रंट डिस्क ब्रेक वाला वर्जन आपको मिल जाएगा, और सिंगल डिस्क बिना डिस्क ब्रेक का आप लेने चाहते हो तो आपको 1,10,000 के नियर अबाउट ये बाइक देखने को मिलेगी। इसका डिसएडवांटेज यही है कि बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, लेकिन माइलेज इस बाइक की बहुत अच्छी है, माइलेज के लिए आप इसको ले सकते हो।